नमस्ते, आप सब स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं दिखाती हूँ मतलब क्या क्या काम करने वाली हूँ मैं। आज का ब्लॉग थोड़ा हटके है, ब्लॉग को पूरा देखना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की वीडियो में आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ पोर्च में, जो हमारा पोर्च बना हुआ है आगे, वहाँ लगा दी मैंने सीढ़ी। यहाँ मैं सीढ़ी के ऊपर दोबारा चढ़ गई हूँ। जो शीशे के ऊपर है ना, थोड़ा बहुत हड़का फुल्का जड़ा था, वो मैंने साफ़ कर दिया है। लेंटर की छत सारी साफ़ कर दी है, क्योंकि है ना जड़ा थे ना मतलब जड़ा तारण वाले से जड़ा है ना मतलब चिपक जाता। अब मैं कर रही हूँ शीशे को साफ। देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, अरे कि हमारा शीशा ना जब हमने मोल्डिंग चढ़वाई थी ना, शीशा देखो नीचे से दिख रहा है, वहाँ से सारा टूट गया है। अब इसको बदलवाएंगे और उस क्या। तो अब मैं पोर्च के मतलब आगे जहाँ मैं पंखा साफ करूँगी, ये जो हमारी सीढ़ी बनी हुई है वहाँ से साफ कर रही हूँ जाड़ा सारा। वहाँ से मैंने सारा जाड़ा हटा दिया, क्योंकि ऊपर का तो मैंने पहले ही साफ कर दिया था, नीचे नीचे का रह गया था। अब मैं भीतर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं है ना चक्कू लेके आऊंगी, क्योंकि वहाँ भंभीरी लगी हुई थी। देखो यार दुख तो होता मतलब किसी का घर तोड़ना, फिर क्या करें, मजबूरी है ये भी हमारी, क्योंकि फिर यही गंदा लगे। ये हमारी है ना बाहर लाइट है ना, उनको भी लग रही है दो तीन, फिर वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता। वहाँ ये पिछले साल भी रह गई थी यार, अब की साल भी रह गई। किसी को बोलूँ हो तो मना करे है, मैं नहीं उतारते मामले तो मेरा वहाँ हाथ नहीं जा रहा। यहाँ सारी मतलब सारी सीढ़ी नीचे से साफ कर दूंगी। अब मैं जा चुकी हूँ मतलब इन्वेटर के पास, या मैं अपनी एक्टिवा है ना उसके मतलब इन्वेटर है ना उसके कति आगे खड़ी थी। देखो वो निकाल दी है मैंने चाकी चून पिछने, ये मैंने वहाँ से इन्वेटर के पास सामान रखा है। वहाँ से मैं धोती नहीं, क्योंकि मेरा है ना पिछली बार बहुत तेज करंट लग गया था वहाँ, तो इसलिए मैं वहाँ सिर्फ झाड़ूंगी राले कपड़े से मतलब सारी टेलों को साफ कर दूंगी। वहाँ इन्वेटर के पीछे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, फिर कैसे निकाले, क्योंकि इन्वेटर की जो ट्रेली है ना उसका एक पहिया टूटा हुआ है, जिससे इन्वेटर है ना सरकता नहीं है, वहीं एक जगह है। अरे कि हाँ है ना थोड़ा एड्रेस सा तो लगा इन्वेटर के पास, कहीं करंट ना मार दे। यहाँ मैंने सारा कूड़ा निकाल दिया है इन्वेटर के पास से। अब मैं यहाँ मतलब देखो सारे टेलों को गीले कपड़े से साफ कर लूँगी। बहुत टाइम एक एक चीज़ को साफ करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है, वीडियो बनाने में मेहनत लग गया है, काम करने में बहुत मेहनत लगती है, फिर भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत तो चैनल ने रिस्पॉन्स दो, अगर मेरे वीडियो बनाने में कोई गलती हो रही हो कृपा करके मेरी गलती को बताओ, कि आपकी वीडियो में क्या गलती है जिसके कारण मेरी वीडियो नहीं चल रही, कृपया बताया करो, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी जिससे मेरी वीडियो भी चल सके। लेकिन शॉर्ट तो मैं जो भी शॉर्ट वीडियो गिरती हूँ वह तो बहुत चलती हैं, लेकिन जो ब्लॉग बना के गिरती हूँ वह बहुत कम चलते हैं, बहुत कम लाइक बहुत कम व्यूअर हैं। देखो अब मैं मतलब यहाँ जो ये तौलिया टंग रहा है इसको तौलिया को हटा दूँगी। अब मैं चढ़ूँगी जाल के पास, सीढ़ी लगाऊँगी। Thank you.
अब मैंने लगा लिया पाइप पे सारा, मतलब सारा झाड़ू पानी में पानी से धो दूंगी। जो भी रेत इसके अंदर है ना, सारा रेत है ना निकल जाएगा, क्योंकि झाड़ने से भाई रेत नहीं निकलता, क्योंकि धोने के बाद ही सारा झाड़ साफ होता है। अब मैं सारी टहलों का रेड हार्पिक से धो दूंगी, क्योंकि जितना भी गंद है ना सारा, मतलब रेड हार्पिक से सारी टहलें क्लियर साफ हो जाती हैं एकदम क्लियर। अब मैंने सारे टलों को अपने पाइप लगा के मैंने धो दिया है। मैंने कूलर को चरका दिया और कूलर के पीछे से भी सारे टलों को धो दिया अच्छी तरह से। अब मैंने वाइपर लगा के सारा पानी है ना इसमें, यहाँ पाइप है, अब मार चुकी हूँ पोरच में सारी टूटी टाटी को सब कुछ मार दूंगी अच्छी तरह, सारे टहलों को अच्छी तरह से धो दूंगी। अब सारी टहलों को पानी लगा, पानी की पाइप से धो दूंगी अच्छी तरह। अब इस बाहर वाले जाल को भी अच्छी तरह धो दूंगी मैं। अब सारा गेट भी मैंने पानी से धो दिया है। अब आ चुकी हूँ मैं बाहर गेट से बाहर, अब गेट को बाहर से धो दूंगी। सारे टहलों को बाहर से मैंने धो दिया है, देखो सारा, मतलब देखो ये जो हमारी लाइट है ना इसके ऊपर लग रही हूँ मैं बम्बीरी, जिससे मेरा हाथ नहीं जाता। देखो अब मैं सारे पोर्च को मतलब पानी से धो दूंगी, या है एक्टिवा को भी मैं धोऊंगी पानी से पूरी को। देखो यार ये सांप की बामनी जो करंट लगने की मर्जी है। भाई सफाई करना बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत बहुत मेहनत लगा है भाई, काम करते करते तो कमरे दिखन लग जाते, मतलब मैं पूरा पानी बाहर जो बाहर स्कर्टिंग बना रखी है। देखो ये भाई हमारा चटनी कुटन का है, पत्थर है इनको अच्छी तरह से धोऊंगी। एक मच्छर है ना लाइट की वजह से ना सारे मच्छर है इतने गिर जाए, मतलब गार गुर इकट्ठी हो जाता है, सारे मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। अब जो ये बाहर बना रखी देखो बहुत ज़्यादा मच्छर हो रही हैं, अब इसके अंदर पानी रुक जाता है। जाली तो हमेशा ही बंद रखा तब भी ना जाली के अंदर भी मच्छर बढ़ जाए घर के अंदर काटते रहो। एक चलने की वजह से ना मैं कली कली दिख रही हूँ। बाहर को दो दूंगी सारी गली को, क्योंकि भाई ऊंची नीची गली हो रही है वो कोई कितने तो पाड़े गए कोई। अब मैं दोबारा पोर्च में आ चुकी हूँ जिसके कारण सारा पानी है ना गली के अंदर इकट्ठा हो जा। अब मैं लगा दूंगी वाइपर, वाइपर से जो मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है ना सारा वाइपर साफ हो जाएगा, सीवर के अंदर कर दूंगी, क्योंकि है ना पत्थर में तो ग्रेड कोई भी नहीं बना दिख रहा है, रुके जाके नहीं मेन हो सब बना रहा है, ऐसे गए कि हम पत्थर में ग्रेड बना देंगे लेकिन कोई भी पानी का ग्रेड इसके अंदर चला जाता, फिर भी इकट्ठा होता ही रहा कहीं ना कहीं। अब मारूंगी मैं सूखा पोचा, ले आई हूँ मैं सूखा पोचा, अब मैं सूखे पोचे को मार दूंगी अच्छी तरह से, जो भी पानी हो रहा है ना सारा पानी उस बोर्ड स्टैंड को बाहर लेके जाऊंगी सूखा पोचा। देखो दिख रहा है ना पानी कितना इकट्ठा हो रहा है ना, मैं मतलब सूखा पोचा कभी गिल्ला हो गया था, मैं इसको सुन निचोड़ के दोबारा तो बाहर साफ कर रही हूँ अच्छी तरह कर दूँगी पानी से धो दो में एकदम क्लियर से मिट गया ना फरस। देखो सारी टहलों को रेड हार्पिक से फरस को सब कुछ धो दिया मैंने आज, जाली जोड़ी को जाली हर चीज़ को मैंने धोया है पानी धोने के बाद। देखो जाली कितनी क्लियर साफ दिखाई दी है, देखो गेट गाट मैंने सब कुछ धो दिया है।
वीडियो बनाने में काम करना ना बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भैया। आज मैं सारा काम थैंक यू फॉर वॉचिंग के काम से